अब सुन रहे हैं कहानी तुम बिन भाग 4। नम्रता को आशुतोष की डायरी मिल जाती है। अब वह उसे पढ़ना शुरू करती है। 1 जनवरी, नया साल इतना बुरा कभी नहीं मना। मैं पूरी रात मनु को ढूंढता रहा। आज सुबह मिली भी तो इस हालत में कि जी में आया खींच के थप्पड़ जड़ दूँ उसके उन गालों में जो गाल कभी मेरे मन से सुर्ख हो जाया करते थे। नम्रता जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगती है। 16 नवंबर, यकीन नहीं आता क्या ये वही मनु है जिसे इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, जिससे प्रेम के इजहार के इंतज़ार में मैं बीटेक के अंतिम साल में आ गया। 15 नवंबर, पता नहीं आजकल कहाँ रहती है, आजकल कम मिलती है मुझसे, ज़्यादातर क्लास के बाद अपने कमरे में ही रहती है। आज बहुत जी चाह रहा है कि उसके पास जाऊँ, उससे जी भर के बातें करूँ, उसकी हथेली अपनी हथेलियों के में लिए ढेरों ख्वाबों की बातें करूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने डैड को उसके बारे में बता दिया है और मेरे डैड जैसे किसी के नहीं होंगे, उन्होंने आज तक अपने इकलौते बेटे की कोई बात नहीं डाली। वे तो कह रहे थे कि अब की छुट्टियों में वे मनोरमा के माता पिता से मिलकर हमारी शादी की बात करेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। नम्रता कुछ पर रुक जाती है। डॉक्टर चौहान उनके प्रेम की गहराई से अवगत थे, फिर आखिर क्या कारण था कि वो उसके सामने अनजान ही बने रहे। वे डायरी आगे पढ़ना शुरू करती है। 30 अक्टूबर, मनु के संग जिंदगी हवाओं से हल्की हो गई है, मानो गम दुख कुविलक से हमारा संसार, जहाँ हमारा प्यार हमारी जिंदगी है, प्रेम से परिपूर्ण मनोमरवा से पूर्ण हमारा खुशनुमा संसार। 18 अक्टूबर, मनोरमा जल्दी जल्दी पन्ने पलट कर देखती है। अब बस तारीखें और मनोरमा का नाम ही था। कुछ तो हुआ इस बीच, क्या हुआ, उसे जानना ही है। नम्रता मन ही मन तय कर उठ जाती है। दूसरे दिन जब उसे आशुतोष से मिलने जाना था तो जाने क्या सोच उसने आज नीले रंग की ड्रेस में और रास्ते से चॉकलेट खरीदती हुई गई। आशुतोष सर झुकाए किसी किताब को देख रहा था। दरवाज़ा खुलने की आहट पाकर वह उस ओर देखता है। उसकी नज़रें उसे नीली ड्रेस में देख एकाएक सजग हो उठती हैं और वो तुरंत उठता उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसकी दीवानगी का यह आलम था कि वो झटके से उसे बाहों में भर लेता है और उसके होठों में अपने होठों की मोहर लगा देता है। वे औचक उसकी बाहों में झूल जाती है। सब कुछ इतना आकस्मिक होता है कि नम्रता को समझ नहीं पाती। उसकी हथेली में दबी चॉकलेट सरक कर फर्श पर गिर पड़ती है। उसके गिरने की आहट से आशुतोष का ध्यान अब उन चॉकलेट की तरफ जाता है और वो नम्रता को अपनी बाहों से मुक्त कर उन्हें उठा लेता है। ये तो मेरे लिए लाई। वे अब फिर अपनी जगह जाकर बैठता अपनी हथेलियों की चॉकलेट को निहारता रहता है। अपने होशो हवास गुम कर चुकी नम्रता जबरन खुद को संभालती हुई आशुतोष के पास आकर बैठ जाती है। आशु, आज तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त का फोन आया था। ये सुन आशुतोष छटके से उसकी ओर देखता है। रितेश? हाँ, पर उसका फ़ोन नंबर क्या है क्या तुम्हें पता है? हाँ, 6384985। किसी यांत्रिक भाव से कहता हुआ पुनः अपनी हथेलियों की चॉकलेट देखता रहता है वह। घर पहुँच कर एक कान ढूँढ कर उसने वो नंबर मिला लिया और किसी ने फ़ोन उठा लिया। कौन? अपनी घबराहट को संयत करने वो थूक की गहरी कटकन के साथ संभल कर कहना शुरू करती है। मैं आपके मित्र आशुतोष के पिता साइकेट्रिक डॉक्टर चौहान के हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मैं आशुतोष के उपचार से संबंधित कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आप उनके दोस्त रितेश बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं उनका दोस्त ही बोल रहा हूँ, कहिए। क्या आप अपने दोस्त के उपचार के लिए मेरी मदद करेंगे? वे एक सांस में कह गई थी और बहुत ही विश्वास से उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शुक्रिया। तो क्या आप मुझे तफसील से मनोरमा और आशुतोष के रिश्ते के बारे में बताएंगे? चौहान अंकल ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया क्या?
उन्होंने बहुत कुछ बताया, पर मैं वो सब जानना चाहती हूँ जो एक दोस्त होने के नाते आपको पता है। उसने अपनी शंका का लेप लगा दिया। मैं आशुतोष के साथ उसके स्कूल टाइम से हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मनोहर से वह अपने बीटेक के दूसरे साल में मिला। वह उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगा था। कॉलेज की टॉपर थी मनोरमा, हंसमुख स्वच्छंद। मुझे लगता है कॉलेज के काफ़ी लड़के उसे पसंद करते होंगे। हो सकता है आशु सबसे पहले साल से ही उसे पसंद करता रहा हो, क्योंकि उसका शांत स्वभाव मुझसे भी बहुत कुछ छुपा ले जाता था। पर जब मनोरमा और उसकी दोस्ती हुई तो उसने कुछ मुझे बताया, फिर ये दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। बहुत प्यार करता था आशु उससे, इसलिए उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाया। बस। अच्छा, उस नए साल वाले दिन क्या हुआ था? क्या उनमें कोई झगड़ा भी हुआ था? वो कुछ पल मौन रहकर फिर बोलता है, मनोरमा सारी रात किसी पार्टी में थी, सुबह बेहोश अपने रूम से बाहर मिली। आशु सारी रात उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा था और सुबह उसकी खबर पा कर उसके लॉज तक गया। पर वहाँ उसकी हालत देखकर उस वक्त आशुतोष के जहन में की स्थिति का अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। तो क्या हुआ था, पूरी बात बताएं। देखिए, आशुतोष को ठीक करने के लिए सब जानना ज़रूरी है और सिर्फ आप ही मदद कर सकते हो। यकीन मानिए, ये बातें सिर्फ आपके और मेरे बीच रहेगी। शायद कुछ विश्वास पाकर उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने आगे कहना प्रारंभ किया। मनोरमा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। शायद पढ़ाई के प्रेशर या कोई गलत संगत के कारण उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। पहले जो ड्रग्स उसने अपने अवसाद को दूर करने के लिए लिया, जल्दी ही वे उसकी आदी हो गई। जब तक हम दोस्ती समझ पाते, वे उसकी एडिक्ट हो चुकी थी। उसने आशु से मिलना भी कम कर दिया, ज़्यादातर अपने रूम में रहने लगी। उसका शैक्षिक ग्राफ भी गिरने लगा था। आशु ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की। उस दिन भी वे रात पर किसी ड्रग्स वालों की पार्टी में रही थी। आशु बहुत नाराज़ हुआ, पर उसकी नाराज़गी, उसका समझाना सब भी असर रहा उस पर। उसकी हालत से आशु भी बेचैन रहने लगा था। और क्या, वो तड़प कर पूछ उठी। उस दिन में भी आशु के साथ था। मनोरमा पूरे दो दिन से अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। उसके कमरे की खिड़की से आशु बेचैनी की हालत में उसे पुकारता रहा, बुलाता रहा। उसने बहुत कोशिश की, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। पागलों की तरह वो दरवाज़े से सर फोड़ रही थी। ये उसकी ड्रग्स छोड़ने की एक जानलेवा कोशिश थी। दर्द मनोरमा के चेहरे पर था, पर आशुतोष की आंखों से बह रहे थे। उन दोनों की चीखें जैसे आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। आशु डॉक्टर को बुलाने भागा, लेकिन वापस आते जब उसने दरवाज़ा खोला तो जो उसने देखा, मैं तो बुरी तरह से बहुत ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन आशु ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। वहीं मुँह खड़ा रहा। सामने पंखे से झूलती हुई मनोरमा की लाश थी। उसकी हालत देख उस पल मेरी रूह तक काँप गई। कुछ पल मौन होकर वह कहना जारी रखता है, मनोरमा तो हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी थी, पर हम आशुतोष को बचाना चाहते थे। पर वो जो उसकी मौत के बाद से जैसे अपने होश ही गंवा बैठा था। फिर धीरे धीरे वो हमसे बहुत दूर हो गया। उसकी अपनी ही एक दुनिया बन गई। कभी कुछ हमसे कहते भी तो उसका एकाएक उग्र हो जाता, और जो उसके हाथ में आता उससे हम पर हमला कर देता। उसकी इसी हालत पर उसके डैड उसे अपने साथ ले गए। उस दिन वो चीख रहा था और बिल्कुल भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था, पर वे उसे ले गए। और तब से बस हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी तो आशु ठीक होगा और हमारे पास वापस आएगा। उसके शब्द अब रुधे हुए गले में लुप्त हो रहे थे। बिल्कुल, वो ज़रूर ठीक होगा, मेरा वादा है। किस मनोवेग में नम्रता ये कह गई, उसे अपनी आंखों पर खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था। फ़ोन कट गया और देर तक वे फ़ोन का चोगा हाथ में लिए नम्रता सोचने की मुद्रा में बैठी रही। उसके अंदर संवेगों का तूफान उमड़ रहा था। कहानी आगे जारी रहेगी। इसका अंतिम 5वां भाग सुनने के लिए सुनते रहें YouTube चैनल में मेरी कहानी।